Assalamu alaikum, bismillahir rahmanir rahim. Okay, so आज Sunday concept series में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि we'll be talking about some basic points regarding the competitive exams from the crystal field theory. ठीक, so we'll be discussing on the basics, जहां से question आता है. तो इसमें हम basic discuss करेंगे. एक जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको हम डिजिग्नेट करते हैं बाय OH. देन वी हैव टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम डिजिग्नेट करते हैं बाय TD. एंड देन वी हैव स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दैट इज D एंड सबस्क्रिप्ट 4H. तो बेसिकली ये जो नोटेशंस है फॉर ऑक्टाहीड्रल, टेट्राहीड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉल्ड बेसिकली द पॉइंट ग्रुप्स. द पॉइंट ग्रुप्स वी नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द थियरी हियर, सो दे आर ऑल्सो द पॉइंट ग्रुप्स. तो इसलिए हमें यहाँ पे शॉर्टकट में इनको लिखा है, क्योंकि पॉइंट ग्रुप्स में ऑलवेज क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलरली वेन यू आर डीलिंग विद नेट एंड गेट एग्जाम. सो दे आर ऑल्सो द पॉइंट ग्रुप फॉर एनी ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री, दैट विल बी OH. Tetrahedral complex, tetrahedral molecule, tetrahedral geometry, that's TD, that's capital T, and subscript D. और जो आपका square planar complex होगा या square planar geometry, square planar molecule, it's always D4H point. Fine. अब जब ये molecule है, we know that अगर हम तीनों को compare करेंगे तो उनमें crystal field splitting क्या होती है. अब crystal field splitting हम जानते हैं, जब भी कोई metal complex बनता है, that means in this case हमारा जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज ML4 टाइप, मीन्स मेटल, एनी मेटल विथ 4 लिगेंड्स. इस केस में वी हैव ए मेटल विथ 4 लिगेंड्स, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहां पे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, यहां पे इट इज टेट्राहीड्रल. ठीक, सो इफ यू ड्रा द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इन शॉर्टकट, कीप मेटल हियर, देन एट द 4 कॉर्नर्स of a square on the plane, इस plane पे we have 4 ligands. This is your square planar. Square on the plane, so this is your square planar geometry. Any coordination complex, even any type of molecule you have, so this is your square planar. So it's an ML4 complex. When you say ML4, but in tetrahedral, our geometry is tetrahedral, so we can make it like this. आपके ये सेंटर है, यहां पे आपका मेटल है. ठीक, देन यू हैव 4 लिगेंड्स एट द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहीड्रॉन, एंड देन यू कैन मेक अ टेट्राहीड्रॉन. सो दोनों में डिफरेंस ये कि इट्स अ टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री एंड दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर. और टेट्राहेड्रल में हम जानते हैं, अगर आप टेट्राहेड्रल को, यू वांट दिस टेट्राहेड्रल टू सिट ऑन द प्लेन, इट विल नेवर सिट ऑन द प्लेन बिकॉज इट्स नॉट प्लेनर. यू विल ऑलवेज सी कि दो एटम्स आपके बैठ जाएंगे एंड 2 विल बी इन द एयर. ठीक है, एंड देन व्हेन वी सी द ऑक्टाहीड्रल, इसमें सेम आपका ये पोर्शन है आपका स्क्वायर प्लेनर का. अच्छा, ऑक्टाहीड्रल मीन्स इट्स ML6 कॉम्प्लेक्स, मेटल के साथ 6 लिगेंड्स. ठीक है, and then if you want to draw this, we can make it in shortcut, metal at the center, 4 ligands at the 4 corners like the square planar, exactly I see. So then pehle iska plane bana lete hain, square plane, this is your square planar, and then यू कीप वन लिगेंड अबव द प्लेन. तो ये जो पेपर प्लेन का है, जो पेपर है इसका जो प्लेन है, सो यू कीप अबव वन लिगेंड एंड द बिलो वन लिगेंड. इसको हम ऐसे दिखाएंगे, अबव वन एंड बिलो वन. ठीक है, लेट्स कीप इट हियर. So this is your octahedral geometry. So I'm not going to draw the bonds now. Okay. So it's like square planar. You are adding 2 more ligands, one above, one below. So these are the 3 geometries, particularly main geometries when we talk about the coordination complexes. अब इनमें सबसे ज्यादा stable कौन सा है? As per the crystal field theory, वही complex stable होगा जिसकी CFSE value जिसका ज्यादा होगा. This one.
It's called as crystal field stabilization energy. More the crystal field stabilization energy, more stable is the complex. So if we talk about the stability, your scalar planar complex is more stable, this one. So I would like to like this, your D4H is more stable, greater than octahedral, followed by your tetrahedral, because your crystal field CFSE is more in D4H than octahedral than tetrahedral. So this is the stability order, this is the order of energy of CFSE value of various complexes. Okay, next. Now what is the CFSE value? A crystal field splitting mein we know that d orbitals are splitting. Kyun? They split because jaise ligands are present, there's always electronic repulsion between metal orbitals or electrons in the metal or metal d orbitals, theek, and then the ligand orbitals. Ligand or ligands mein kya hota hai? They have either a lone pair if they are neutral ligands, or they will be having a negative charge. So that lone pair or that negative charge, they will have the ionic repulsion, see, between with the metal electrons or metal d orbitals. Now that interaction is called as the crystal field interaction. Iski wajah se the orbital is split. So if we talk about the octahedral complexes, d orbitals ka splitting kaise hota hai? Shortcut mein, do aapke upar do orbitals, teen orbitals aapke niche. This is your T2G complex, this is your, sorry, T2G set, this is EG set. Ye kaun sa orbitals hai? They are X square minus Y square, and this is DZ square, theek hai? And in this case, this is DXY, DYZ, DZX. And those orbitals in ke lobes, they are present in between the X, they will sit as, they will be called as T2G set. And those jinke lobus, they are perfectly oriented along the axis, so that stands as EG set. Or in ke beech mein jo split diagram energy difference hai, it is designated by delta O. It means crystal field splitting in octahedral complexes. Like the tetrahedral ke case mein, we know the diagram reverses. So aap iska inverse kar lijiye. You have 3 above and 2 below. Iska bilkul aap iska ulta kar lijiye. This is called crystal field splitting in the tetrahedral complexes. Theek hai? So, aap, achi, yahan pe aap T2G likhoge upar, but we write only T2. We can write both capital T2 or small T2, both, no problem. And yahan pe you write only E. Now, to iska matlab ye hai, if we compare the octahedral and tetrahedral complexes, ek to aapki diagram hi reverse ho jati, number one. Number two, we are dropping this G value. What do you mean by this G? G stands for gyrate. That means symmetric. It means centrosymmetric. Octahedral geometry is centrosymmetric, remember this. So your octahedral geometry, that is centrosymmetric. When octahedral geometry is centrosymmetric, that means if you invert the molecule with respect to the center of inversion, the aapka jo geometry mein koi farak nahi padta. You will see equal distance bhi aapke ligands milte hain. So it's not to talk about that much. So it's octahedral geometry is centrosymmetric. So R symmetrical, we use the word subscript small g, T2G and EG. While in the tetrahedral, we drop the G, T2 and E. And this is the splitting. Okay? Now, if you talk about, iska matlab hai, if you talk about the splitting in the scalar planar, pehle to scalar planar kaise bana sakte hai? Agar aap ye do ligands isse nikal de bahar, then you will get the scalar planar. You remove these trans ligands, jo aapke paper ke perpendicular hai, ya is plane ke perpendicular, you remove the ligands, you get scalar planar. Theek hai? Usse kya ho jata hai? When you remove the ligands, ye bond jo hai, they get closer. So interaction is more, crystal field splitting is more. That is why scalar planar complex have greater crystal field splitting. And splitting yahan pe main shortcut mein dikhaunga, it is between kon kon se orbital ke beech mein crystal field splitting hoti hai yahan pe. Just for the remembrance, it is dx square minus y square, and this is dxy. So basically, kya hota hai during the, when we remove the ligands, you will end up with a splitting wire between this and this. This will, this is responsible for the stability of the complex. Iska matlab hai, ek orbital is set se octahedral ki, aur ek orbital T2G set se, unke beech mein we are basically representing the crystal field splitting in the scalar planar complex.
that is this. So we can show it. Your scare planar crystal field splitting energy is greater than octahedral, greater than tetrahedral. Now if you talk about the magnitude, magnitude ke liye aap ye wala equation yaad rakh lijiye. If you compare them all these values, if you compare the values, we'll write your octahedral, it is your tetrahedral, since it is least stable, it is less stable than octahedral, it is equivalent to 0.45 of octahedral. ठीक है, और यू कैन राइट इट 4/5 बाई, आपको रख सकते हो 4/9 ऑल्सो. अब ये 4/9 कहां से आता है, इसमें दो रीजन मेनली. सिंस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स ज्यादा है, ओरिएंटेशंस ऑफ लिगेंड्स इज अलोंग द एक्सिस, सो दे हैव ग्रेटर रिपल्शन. तो इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, 2/3 कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है ऑक्टाहेड्रल में बिकॉज द नंबर ऑफ लिगेंड्स इज मोर, एंड 2/3 कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है बिकॉज orbitals, d orbitals are perfectly oriented along the axis in the octahedral complexes. So turns out tetrahedral is 4/9 of octahedral. And if we compare the scalar planar with the octahedral, so overall scalar planar is your 1/3 of octahedral. That's it. So this is all about the stability of the complexes. And if we talk about iske alawa how a complex would be stable, usually octahedral complexes are more stable than tetrahedral. And then the splitting pattern hame ek information further ye deta hai ki complex high spin hoga ki low spin hoga. So if you want to know about the high spin complex and low spin complex in octahedral geometry, kyunki tetrahedral complexes are usually हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होती है, दिस एनर्जी गैप. ठीक है, सो इफ यू वांट टू नो अबाउट द हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स, उसके लिए वी हैव टू कंपेयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वर्सेस अ टर्म कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी. वी नो इफ यू वॉन्ट टू हैव द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है द इलेक्ट्रॉन्स विल सिट पेयर्ड इन एन ऑर्बिटल. To keep electrons in the orbital, you need the energy. Energy required to pair the electrons, that's called pairing energy. So, if pairing energy is greater than octahedral, this that means you require large energy to pair the electrons, which is very very difficult. So that means it is a high spin complex. तो आपका octahedral complex high spin होगा, ठीक है? High spin का मतलब है आप जो आपके तीन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4, 5, 6, 7 वहां पे इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द ईजी सेट. एंड इफ योर ऑक्टाहेड्रल योर एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, दैट मीन्स गैप इज वेरी वेरी लार्ज एट दिस गैप. ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट टू इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे रखना, बहुत डिफिकल्ट है. रादर द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट पेयर्ड अप, पर्टिकुलर इन केस ऑफ d4, d5, d6, d7 एंड देन ऑनवर्ड्स. सो यू हैव low spin complexes. इसके अलावा जो स्टेबिलिटी होती है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में, अगर आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉगर फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, ठीक, बिकॉज इट हैज अ लार्जर क्रिस्टल फील्ड एस्टैब्लिशिंग एनर्जी. लाइकली अगर आपका मेटल 3D, 4D, 5D सीरीज से है, लिगेंड कॉन्स्टेंट है, तो 5D सीरीज के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, फॉलोड बाई 4D, फॉलोड बाई 3D. इस तरीके ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ यू कीप द लिगेंड फिक्स्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप वैरी कर रहे हो, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. क्यों? बिकॉज एज पर क्रिस्टल फील्ड थियोरी द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज परफेक्टली आयनिक बॉन्ड. व्हेन इट्स एन आयनिक बॉन्ड, लिगेंड एंड मेटल दे आर बिहेविंग एज द पॉइंट चार्जेस. सो इट्स नॉट अ कोवलेंट बॉन्ड, देयर इज नो ऑर्बिटल ओवरलैप. सो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, आयनिक इंट्रैक्शन ज्यादा होगी, आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थियोरी एंड CFS एंड CFSE इन द ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्कैर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज. सो विद इन दिस रेंज यूजली आपके क्वेश्चन आता है. देयर इज सम मोर टू बी डिस्कस्ड, बट दैट विल बी द नेक्स्ट क्लास. तो होप यू एटलीस्ट अंडरस्टूड दिस. So this is all for today.